हेलो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं प्रतिकृत क्या होती है। ध्यान से समझें, आप चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, वंशागत का आणविक आधार। इसका चौथा टॉपिक है प्रतिकृत के बारे में, कैसे जो है डीएनए जो है अपने जैसा डीएनए तैयार करता है, जिसमें एक नया और एक पुराना, ठीक है, स्टैंड होता है। इसके बारे में समझते हैं। देखें ध्यान से, प्रतिकृति। डीएनए के द्वि कुंडली रचना के प्रतिवादन के साथ ही, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने तत्काल डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत की। 1953 में डीएनए का द्वि कुंडली मॉडल जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, तो उसको प्रस्तुत करने के तुरंत बाद जो है वाटसन और क्रिक ने डीएनए के प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत की। ठीक है, यदि उनके मूल कथन को उद्धृत किया जाए तो वह इस प्रकार है। उन्होंने क्या बातें कही थी, देखे ध्यान से। वाटसन और क्रिक ने कहा, विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद, ठीक है, विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवांशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता है। ठीक है, कैसे डीएनए से डीएनए बनता है इसको बताने से बचा नहीं जा सकता है। यह बातें वाटसन और क्रिक ने कहा था कि विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवांशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता है। ठीक है, उपरोक्त योजना से स्पष्ट है कि दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं। जो दोनों रज्जुक होते हैं वे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। दोनों रज्जुक जो हैं वो अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, सांचे के रूप में कार्य करते हैं, और उन्हीं रज्जुकों से, ठीक है, उन्हीं रज्जुकों से नए रज्जुकों का, पूरक रज्जुकों का निर्माण होता है। ठीक है, प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है उसमें एक पैतृक और एक नई निर्मित लड़ी रज्जुक होता है। ठीक है, जब प्रतिकृति कंप्लीट हो जाएगी तो जो नया डीएनए अणु बनेगा उसमें एक पैरेंट डीएनए होगा। ठीक है, एक पैरेंट डीएनए होगा और एक नया डीएनए का लड़ी होगा। डीएनए प्रतिकृति की यह योजना अर्धसंरक्षी कहलाती है। डीएनए प्रतिकृति की इस योजना को क्या कहते हैं, अर्धसंरक्षी कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है आपके बुक में। यहाँ आप देख रहे हैं डीएनए अणु की, यह दोनों रज्जुक हैं। ठीक है, डीएनए अणु की दोनों रज्जुक हैं, यह यहाँ पर दोनों रज्जुक अलग हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह दोनों रज्जुक जो हैं अलग हो चुके हैं। अब इन्हीं दोनों रज्जुकों से पूरक रज्जुक का निर्माण होगा। ठीक है, यह आपका रेड कलर से पुराना वाला रज्जुक है और इसी का कॉपी जो है यह ब्लू कलर कर रहा है। ठीक है, इस रेड वाले पे साइटोसिन है तो उसका, उसके सामने ग्वानिन आ गया है, एडनिन है तो उसके सामने थायमिन है, थायमिन है तो उसके सामने एडनिन है, ग्वानोसिन है उसके सामने साइटोसिन है। इस तरह से उसका पूरक रज्जुक बन रहा है। ठीक है, और यह बनने के बाद अलग हो जाते हैं, तो एक डीएनए स्टैंड से दो डीएनए बन जाते हैं, जिसमें से जो डीएनए बनता है उसमें एक पुराना रज्जुक होता है और एक नया रज्जुक होता है। ठीक है, इसलिए इसको अर्धसंरक्षी कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। डीएनए प्रतिकृति की योजना क्या कहलाती है, सेमी कंजर्वेटिव अर्थात अर्धसंरक्षी कहलाती है, कि जो नया डीएनए बनेगा उसमें एक पुरानी श्रृंखला होगी। ठीक है, एक रज्जुक होगा और एक नया रज्जुक होगा। इसके सबूत क्या है कि डीएनए प्रतिकृति अर्धसंरक्षी होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, आधे नए वाले होते हैं आधे पुराने वाले होते हैं। ठीक है, आधे रज्जुक जो हैं, एक रज्जुक जो है नया स्टैंड बनता है और एक रज्जुक जो होता है पुराना स्टैंड वाला होता है। इसके सबूत क्या हैं, तो आइए देखते हैं इसके सबूत के बारे में, प्रायोगिक प्रमाण के बारे में। तो ध्यान से समझें, प्रायोगिक प्रमाण। अब यह सिद्ध हो चुका है कि डीएनए का अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन होता है। ठीक है, डीएनए का जो प्रतिकृतियन होता है वह कैसा होता है, अर्धसंरक्षी होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी इसीरिया कोलाई से प्राप्त हुआ।
डीएनए का प्रतिकृतियां अर्धसंरक्षित होता है, इसके बारे में जानकारी सबसे पहले किसमें मिला? एसीरिया कोलाई से प्राप्त हुआ, और आगे जाकर उच्च जीवों जैसे पौधों व मानव कोशिकाओं में पता लग पाया। ठीक है, तो आगे चल के पौधों में भी इसको प्रूव किया गया और मानव कोशिका में भी पता चला। देखें, मैथ्यू मेसेलसन व फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में निम्न प्रयोग किया। ठीक है, तो यह मैथ्यू मेसेलसन और फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में एक्सपेरिमेंट किया। आइए समझते हैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, देखें ध्यान से, इन्होंने ई कोलाई को ऐसे संवर्धन में विकसित किया जिसमें अमोनियम क्लोराइड कई पीढ़ियों तक केवल नाइट्रोजन का स्रोत था। ठीक है, तो मैथ्यू मेसेलसन और फ्रैंकलिन स्टाल ने ई कोलाई को, एसीरिया कोलाई को ऐसे संवर्धन माध्यम में विकसित किया जिसमें अमोनियम क्लोराइड जो है कई पीढ़ियों तक नाइट्रोजन का स्रोत था। अमोनियम क्लोराइड यूज किया जाता था, और वह अमोनियम क्लोराइड जो था उसमें जो नाइट्रोजन था वह उसका परमाणु भार 15 था, अर्थात नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक यूज हुआ था उसमें। अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन यूज हुआ था वह 15 परमाणु भार वाला था। ठीक है, अर्थात नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक है, इसको यूज किया गया था। ई कोलाई को ऐसे संवर्धन विकसित किया गया जिसमें अमोनिया क्लोराइड कई पीढ़ियों तक केवल नाइट्रोजन का स्रोत था, जिसके परिणाम स्वरूप नव निर्मित डीएनए एवं अन्य दूसरे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में नाइट्रोजन 15 व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, जब कई पीढ़ियों तक अमोनियम क्लोराइड माध्यम दिया जाएगा और उसमें नाइट्रोजन 15 वाला होगा, तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन 15 जो है वो डीएनए में शामिल हो जाएगा, और अन्य जो नाइट्रोजन से बनने वाले यौगिक हैं उनमें नाइट्रोजन 15 चला गया। ठीक है, यह नाइट्रोजन 15 क्या होता है, नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक होता है। इस भारी डीएनए अणु को, क्योंकि अब डीएनए में नाइट्रोजन 15 शामिल था, इसलिए नाइट्रोजन का वजन, डीएनए का वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रीकरण करने से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो जिस डीएनए में नाइट्रोजन 15 यूज हुआ है बनने में, उस डीएनए को हम सोडियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में अलग कर सकते हैं, अपकेंद्रीकरण से अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रीकरण करने से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ध्यान से, कृपया ध्यान दें कि नाइट्रोजन 15 एक विकिरण सक्रिय समस्थानिक नहीं है। जो नाइट्रोजन 15 है वह विकिरण सक्रिय समस्थानिक नहीं है, और यह नाइट्रोजन 14 से घनत्व के आधार पर अलग किया जा सकता है। ठीक है, इसको नाइट्रोजन 14 से अलग किया जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन 14 से तुलना करें नाइट्रोजन 15 का, तो नाइट्रोजन 15 का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, वह भारी होता है, तो इसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान दें, इसके बाद कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन में स्थानांतरित किया गया जिसमें साधारण अमोनियम क्लोराइड था। साधारण अमोनियम क्लोराइड मतलब जिसमें नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 था। ठीक है, इसके बाद कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन में स्थानांतरित किया गया जिसमें साधारण अमोनियम क्लोराइड था। वह निश्चित समय अंतराल पर गुणित कोशिकाओं के नमूने लेने पर, ठीक है, निश्चित समय पर गुणित कोशिकाओं के नमूने लिया गया, 20 मिनट पे, 40 मिनट पे, 80 मिनट पे लिया गया। ठीक है, इसके बाद कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन में स्थानांतरित किया गया जिसमें साधारण अमोनियम क्लोराइड था। वह निश्चित समय अंतराल पर गुणित कोशिकाओं के नमूनों को लेने पर, वह इससे डीएनए निष्कर्षण करने पर, ठीक है, उसे डीएनए को अलग किया गया, डीएनए निष्कर्षण करने पर यह पाया गया कि यह हमेशा द्विरज्जुक कुंडलियों के रूप में मिलता है। ठीक है, तो यह पाया गया कि हमेशा यह किस रूप में मिलता है, द्विरज्जुक कुंडलियों के रूप में मिलता है। डीएनए के घनत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट की प्रवणता पर अलग किया गया।
ठीक है। तो डीएनए के घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट प्रवणता पर अलग किया गया। आइए देखें कैसे किया गया। समझे ध्यान से। देखें ध्यान से, यह आपका डीएनए है जिसमें नाइट्रोजन कौन सा है, 15 परमाणु भार वाला है, भारी समस्थानिक है नाइट्रोजन का, ठीक है। इसका आप अपकेंद्रण करेंगे तो यह आसानी से अलग हो जाएगा और इस तरह से आपका नाइट्रोजन 15 भारी का यह प्लेट पे मिलेगा, ठीक। अब जो है 20 मिनट बाद इसको 14 वाले अमोनियम क्लोराइड जिस माध्यम में था उसमें रखा गया। 20 मिनट बाद देखा गया कि प्रथम पीढ़ी में जो 20 मिनट बाद प्राप्त हुआ आपको, वह उसमें यह लक्षण दिखाई दिया। इसमें जो डीएनए बने उसमें एक धागे जो था वह 15 का था और एक धागा जो था 14 का था। एक धागे के डीएनए में नाइट्रोजन 15 यूज हुए थे और दूसरे धागे के डीएनए में नाइट्रोजन 14 यूज हुए थे, ठीक है। यह आपको मिला और इसको हम संकरित अपकेंद्रण से निष्कर्षित किया गया डीएनए को हम इस तरह से देख सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन 15 भी है और नाइट्रोजन 14 भी है। यह प्रथम पीढ़ी की बात की जा रही है, ठीक है। 40 मिनट बाद जो द्वितीय पीढ़ी आई उसको अगर ध्यान से देखा जाए 40 मिनट बाद, तो इसमें नाइट्रोजन 14 डीएनए की एक अलग प्रतिकृति बनी, नाइट्रोजन 14 की अलग बनी और दो संकर बने जिसमें नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 के डीएनए शामिल थे। इसमें नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 भी शामिल था और इसमें भी नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 शामिल था, ठीक है। इसका देखा गया तो इसमें नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 15 दोनों थे भारी जो थे और यह नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14 जो हल्के थे, ये आप देख रहे हैं नाइट्रोजन 14 वाले डीएनए हैं जो हल्के वाले हैं और यह नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 वाले डीएनए हैं जो एक भारी और, ठीक है। यह हो गया, यह मेसेलसन और स्टाल के प्रयोग में ऐसा मिला, ठीक है। इस प्रकार आप इस निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस प्रयोग पर। देखें ध्यान से क्या निष्कर्ष निकाला गया। इस प्रकार संवर्धन जिसको N15 से N14 माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया था, ठीक है, N15 से N14 माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया था जिसमें डीएनए निष्कर्षित करने पर पाया गया कि इसका घनत्व संकरित या मध्य था। इसका घनत्व तो कैसा था, संकरित या मध्य था। अर्थात 20 मिनट बाद प्रथम पीढ़ी ई कोलाई 20 मिनट में विभाजित होता है। ई कोलाई जो है वह कितने मिनट में विभाजित होता है, 20 मिनट में। अर्थात 20 मिनट में इसकी प्रथम पीढ़ी मिलती है जो कैसी थी, संकरित थी, जिसमें N14 और N15 के नाइट्रोजन यूज हुए थे डीएनए बनाने में, ठीक है। डीएनए की जो दूसरी पीढ़ी अर्थात 40 मिनट बाद द्वितीय पीढ़ी मिली के संवर्धन से निष्कर्षित किया गया कि समान मात्रा में संकरित डीएनए हल्के डीएनए से मिलकर बना है, ठीक है। जो समान मात्रा में संकरित डीएनए था वो हल्के डीएनए से मिलकर बना है, यह 40 मिनट बाद हमें पता चला द्वितीय पीढ़ी में, ठीक है। तो इस तरह से देखा गया कि इसमें कि संवर्धन जिसको N15 से N14 माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया था, इससे डीएनए निष्कर्षित करने पर पाया गया कि घनत्व संकरित या मध्य था, वो 20 मिनट बाद हमें प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुआ था, क्योंकि ई कोलाई में 20 मिनट में विभाजन होता है। डीएनए के दूसरी पीढ़ी जो 40 मिनट बाद कंप्लीट होती है, द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होती है, के संवर्धन से निष्कर्षित किया गया और समान मात्रा में संकरित डीएनए हल्के डीएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी से हमें निष्कर्ष निकला कि जो माध्यम में आपको अमोनियम क्लोराइड उपलब्ध कराया गया तो उसमें आधा जो था वह पुराना डीएनए था 14 नंबर वाला और आधा जो था 15 नंबर वाला नाइट्रोजन का यूज होकर डीएनए बना था, अर्थात अर्धसंरचित था, ठीक है। 80 मिनट बाद आपने देखा, 40 मिनट बाद आपने देखा कि डीएनए जो दूसरी पीढ़ी
अर्थात 40 मिनट बाद उत्तरी पीढ़ी जो मिली के संवर्धन से निष्कर्ष किया गया कि समान मात्रा में संकरित डीएनए हल्के डीएनए से मिलकर बना होता है। समान मात्रा में संकरित डीएनए जो है हल्के डीएनए से मिलकर बना होता है, जिसमें आधे भाग नाइट्रोजन 15 वाले होते हैं और आधे भाग नाइट्रोजन 14 वाले होते हैं, अर्थात सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, यह ई कोलाई पर प्रयोग किया गया था। ठीक इसी प्रकार का प्रयोग टेलट और उनके सहयोगियों ने 1958 में वासिया फाबा, ठीक है यह सेम है फाबा सेम, ठीक इसी प्रकार का प्रयोग टेलट और उनके सहयोगियों ने 1958 में वासिया फाबा सेम पर नवनिर्मित डीएनए का गुणसूत्र में वितरण का पता लगाने के लिए विकिरण सक्रिय थायमिडीन का प्रयोग किया। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि गुणसूत्र में डीएनए अर्धसंरक्षित तरह से प्रतिकृति करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1958 में वासिया फाबा पर टेलट और उनके सहयोगियों ने भी प्रयोग किया और उसने पाया कि जो नवनिर्मित डीएनए का गुणसूत्र है, जो नवनिर्मित डीएनए का गुणसूत्र में वितरण का पता लगाने के लिए विकिरण सक्रिय थायमिडीन का प्रयोग किया था उन्होंने, और इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि गुणसूत्र में डीएनए अर्धसंरक्षित तरह के प्रकृति होता है। गुणसूत्र में डीएनए अर्धसंरक्षकीय तरह से प्रतिकृति करता है, यह दूसरी बार सिद्ध हुआ वासिया फाबा की मदद से। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका मेलसंस और स्टाल का प्रयोग, जिसके आधार पर हमें पता चला कि डीएनए जो है वह अर्धसंरक्षित प्रतिकृति का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कार्य प्रणाली और एंजाइम के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।